इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुखबीर बादल साहब। सर, गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जो कनाडा और इंडिया के बीच में बात हुआ है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और अब क्योंकि अब वीज़ा बंद हो गए हैं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है पंजाब में और कई देश के अलग अलग सूबों में, क्योंकि लाखों लोग देश के कनाडा में रह रहे हैं और उनके रिश्तेदार यहाँ रह रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कोई वहाँ से आ रहा है। सो अगर वीज़ा बंद हो गया तो देखो, इंडिया के बाद कनाडा ऐसा देश है सबसे ज़्यादा देशवासी वहाँ रहते हैं। सो कीपिंग इन दैट इन माइंड वी नीड टू सेटल दिस इशू फर्स्ट। कुछ आश्वासन मिला है सर अभी? No, we just conveyed this is up to government of India and government of Canada to sort it out. तो वीर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है, जिस तरीके के रिश्ते हैं भारत और कनाडा के बीच में मौजूदा, उसमें हमारे जो वहाँ पर देश के रहने वाले छात्र हैं, देश के लोग हैं, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, ये मुद्दा सरकार के सामने उठाया है। अंकित गुप्ता, IBP News, दिल्ली।